हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्रेवल रन। और मैं नवीन, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ दिल्ली से मसूरी आप कम बजट में कैसे ट्रिप अपना कंप्लीट करके आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप 1500 से 2000 के अंदर अपना मसूरी का ट्रिप दिल्ली से, वो भी साइट सींग के साथ, कम्प्लीट कर कर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को रेड बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करिए, जिससे कि आपको हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि सबको पता है, मसूरी काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है और उत्तराखंड में पड़ता है। तो दोस्तों, आपको दिल्ली से जाने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले दिल्ली से आपको बस से जाना है, ऑर्डिनरी बस, जो कि आप UTC की वेबसाइट, उत्तराखंड रोडवेज की वेबसाइट पर भी बुक कर सकते हैं। दिल्ली से मसूरी की टिकट है 360 रुपये। जी हाँ दोस्तों, रात को बस चलेगी, सुबह आपको उतार देगी और सिर्फ आपका खर्चा आएगा 360 रुपये। लेकिन दोस्तों, अगर आप 1% बस से नहीं जाना चाहते तो दूसरा ऑप्शन है आपको देहरादून ट्रेन तक जाना पड़ेगा। ट्रेन से आप देहरादून पहुंचेंगे, 225 रुपये के आसपास आपकी टिकट का खर्चा आएगा, 225 से 240 के आसपास देहरादून से आपको। लेकिन फिर बस चेंज करनी पड़ेगी, जो कि करीब 50 से 60 रुपये लेगी और आपको उतार देगी मसूरी। तो दोनों केसेस में अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपका 300-310 रुपये के आसपास का खर्चा है, और अगर आप डायरेक्ट बस से जाते हैं तो आपका 360 रुपये का खर्चा है। मैं रिकमेंड करूंगा बस, क्योंकि ट्रेन से अगर आप जाते हैं तो आपको चेंज करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, थोड़ा सा परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप बस से जाते हैं तो सीधा मसूरी उतरेंगे 360 रुपये में। जब आप किसी भी जगह पर पहुंच जाते हैं तो आपको पता है अगला ऑप्शन आपके लिए स्टे, एकोमोडेशन, होटल। जिस तरीके से मैं हर वीडियो में मोस्टली आपको पता ही, अगर आपने देखी हो तो अब मैं यही बताता हूँ कि आप कोशिश करिए कि धर्मशाला, गुरुद्वारा, कोई मंदिर वहाँ ढूंढें अगर आप अकेले हैं, और अगर आप वहाँ स्टे कर सकते हैं, या अगर आप फैमिली के साथ भी हैं और अगर आप स्टे कर सकते हैं इन जगहों पर, तो प्लीज़ गो फॉर इट। लगभग 100 से 200 रुपये में आपको रहने के लिए जगह मिल जाती है, काफ़ी पैसा बचता है। तो मसूरी में आपको एक आर्य समाज मंदिर मिलेगा, जो कि नियर बस स्टैंड है, किसी से भी पूछ लीजिएगा। वहाँ पर आपको 100 रुपये में बेड मिलता है। अगर वहाँ ऑप्शन नहीं बन पाता है तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको गुरुद्वारा सिंह सभा मिलेगा। गुरुद्वारा सिंह सभा में आपको रूम्स भी मिलते हैं। रूम्स की कॉस्ट अराउंड सीज़न के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक भी है उनका रूम। लेकिन उनके पास हॉल है, जो वहाँ पर आपको स्पेस देते हैं वो सोने के लिए 100 रुपीज़ लेते हैं, और मैट्रेस वगैरह के लिए आपको 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो 160 रुपीज़ में वो 1 पर्सन का स्टे वहाँ पर ईज़िली हो जाता है। अगर आप होटल्स की बात करें तो दोस्तों, अगर आप होटल सर्च करेंगे, होटल्स भी अगर आप ऑनलाइन सर्च करें, कोशिश करें, तो आपको आराम से 500-600 रुपये में होटल मिल जाएगा। थोड़ा नीचे मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको माल रोड रहना है। थोड़ा आगे पीछे देखिए तो 600-700 रुपये से लेकर ऊपर की रेंज बढ़ती रहती है, बट 500-600-700 रुपये में आपको आराम से होटल मिल जाएगा मसूरी। तीसरा, अब आप मसूरी गए हैं तो आप चाहेंगे कि आप कुछ घूम कर भी आएँ, कुछ देख कर आएँ। तो दोस्तों, पहला तो ये है कि हिल स्टेशन जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ के व्यूज़ का ही आनंद मेन उठाना है, और मसूरी बहुत सुंदर है, आप व्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी एक दो जगह हैं जो कि घूमने वाली हैं, जिसमें कि पहला आता है सबके दिमाग में कैंपटी फॉल। बिल्कुल, कैंपटी फॉल जाने के लिए दोस्तों आप गढ़वाल मंडल की बसेस का यूज़ करिए। आपको लाइब्रेरी चौक बस स्टैंड से आराम से मिल जाएंगी बसेस, जो कि अराउंड 35-40 रुपीज़ लेंगी और आपको उतारेंगी कैंपटी फॉल। जी हाँ दोस्तों, कैंपटी फॉल मात्र आप 35 से 40 रुपये में बस से पहुँच सकते हैं, इन कंपैरिजन ऑफ टैक्सी। टैक्सी बहुत कॉस्ट करेगी आपको, अगर शेयरिंग में है मिल जाती है आपको तो बेस्ट है, वरना बहुत कॉस्ट करेगी। और कैंपटी फॉल में जाकर आप अपना नीचे उतरना पड़ता है, ज़्यादा सीढ़ीज नहीं है, स्टेयर्स हैं, बट उतरना तो पड़ता है। अगर आप स्टेयर से नहीं जाना चाहते तो रोप वे का यूज़ कर सकते हैं, जो कि अराउंड 80-100 रुपीज़ लेती है बोथ साइड। तो आपको वो नीचे बिल्कुल वाटरफॉल के पास ले जाएगी, और वापस थोड़ी देर बाद आप उसी से ऊपर आ सकते हैं। वाटरफॉल के पास काफ़ी शॉप्स हैं जो आपको लॉकर्स और की फैसिलिटी और कॉस्ट्यूम की फैसिलिटी देती है। लॉकर 50 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ तक चार्ज करते हैं, इसी हिसाब से कॉस्ट्यूम का रेट है 100-200 रुपीज़। आप वो लेकर वहाँ पर वाटरफॉल में एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी खाने पीने की शॉप्स हैं, तो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक और फेमस जगह है जो कि है गनील पॉइंट मसूरी में। दोस्तों, गनील पॉइंट के लिए आप वॉकिंग करके जा सकते हैं, अराउंड आधा घंटा लगता है, पीक पर है, वहाँ पर खाने पीने की शॉप्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, और व्यू का आनंद उठा सकते हैं आप। अगर आप चल नहीं सकते हैं तो आपके लिए रोप वे की सर्विस है, वो लेगी आपसे 125 रुपये आना और जाना। जी हाँ दोस्तों, अराउंड 125 रुपीज़ है रोप वे का बोथ साइड। एक है कंपनी बाग दोस्तों, हाँ जी, कंपनी गार्डन के नाम से, कंपनी बाग के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है वहाँ पे, फ्लावर्स हैं, फोटोग्राफी के लिए अच्छी लोकेशन है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो दोस्तों, अगर आप वॉक करके जाते हैं, अराउंड 3-4 किलोमीटर्स है, अराउंड आधा घंटा लग सकता है आपको,
वरना आप वहाँ पर रिक्शा सर्विसेज चलती हैं, रिक्शा ले सकते हैं जो कि अराउंड 125 130 रुपये 125 से 130 रुपीज़ के आसपास चार्ज करती है आना जाना, और आप उसको उस सर्विस का आनंद उठा सकते हैं और अपना एंजॉय कर कर आ सकते हैं कंपनी गार्डन में। कंपनी गार्डन में एंट्री करने के लिए टिकट चार्जेज है अराउंड 20 रुपीज़, ज़्यादा नहीं है, और अपना जाइए वहाँ पर एंजॉय करके आइए। दोस्तों अगला है माल रोड, जहाँ पर शॉपिंग के लिए बहुत शॉप हैं आप वहाँ पर, और वो तो बिल्कुल पैदल घूमने वाली जगह है, अपना वॉकिंग करिए और वहाँ पर एंजॉय करिए, वेदर को एंजॉय करिए, मसूरी के शॉपिंग करिए, खाइए पिए और माल रोड को घूमिए। तो दोस्तों इसके अलावा मसूरी में कोई और जो कि फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स तो है नहीं, यही है मेन, कैंपटी फॉल है, कंपनी बाग है। इसके अलावा माल रोड पर जब आप घूम रहे होंगे आपको एक एक्वेरियम मिलेगा, जवाहर एक्वेरियम है, वहाँ पर 15 या 20 रुपये की टिकट है, उसमें भी आप जाकर जा सकते हैं आराम से, इजीली 15-20 रुपये कुछ नहीं होते। और इसके अलावा ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आता है, बाकी देहरादून की साइड अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको शस्त्रधारा, गुच्चू पानी और 2-3 जगह घूमने की मिलती हैं, उसकी वीडियो फिर कभी अलग से बनाते हैं और आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे, ज़रूर कमेंट करके बताइए अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। और दोस्तों हमारा जो लास्ट ऑप्शन रह जाता है वो रहता है फूड। तो दोस्तों हर बार मैं आपको हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि फ़ूड आप लोकल फूड जॉइंट से खाइए, 50 रुपये में आप एक जना अपना आराम से पेट भर सकता है, और 3 टाइम का खाना 150 से 200 रुपये का ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि 500 रुपये लगाता हूँ मैं 2 दिन का आपका खाने का खर्चा होगा। अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो आपका ये 1500 से 2000 रुपये में आप मसूरी घूम के आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इन सबका टोटल करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि दिल्ली से आना जाना आपका 720 रुपये में हो रहा है, और रहने का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये में मैंने जो बताया है, अगर आप गुरुद्वारे वगैरह में रहते हैं तो 200 रुपये भी मैक्सिमम बता रहा हूँ। उसके अलावा घूमने का मैंने आपको बता दिया, लोकल बस का यूज़ करिए तो बहुत ही कम खर्चा होगा, और 500 रुपये आपका खाने पीने का। तो अगर आप इन सबका टोटल करेंगे तो ये 1500 तक ही जाएगा, और मैक्सिमम 2000 वो भी नहीं पहुंचेगा। तो 1500 से 2000 के अंदर आप इस तरीके से मसूरी को घूमकर आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो को बहुत पसंद आ गई है, और ये हर बार की तरह आप मेरे को इस वीडियो को भी सपोर्ट करेंगे, तो प्लीज़ लाइक करते जाइए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अगली वीडियो तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग।